हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कबीर है और आज एक मैं वीडियो बनाऊंगा जोमेटो के रिलेटेड, जिस वीडियो में बताऊंगा जोमेटो ऐप जो है हमारा मर्चेंट ऐप, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अभी जोमेटो की जो जीमेल आईडी है वो बंद हो गई है, जितने भी हमारे जितने भी काम रहेंगे वो हमारे ऐप के थ्रू ही होंगे। सारे फीचर्स कंपनी ने अपडेट कर दिया है, तो उसी चीज़ के बारे में मैं नॉलेज दूंगा, ठीक है। कम्प्लीट ट्रेनिंग ऐप की, ये मैं अभी फ़ोटो लगा रहा था इसलिए यहीं पे है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हमारा इस तरीके से ओपन होगा। अगर आपके पास मल्टी आईडीज़ हैं तो यहाँ पे जाके रेटिंग चेक करना है आपको, रेस्टोरेंट की रेटिंग यहाँ पे शो होती है, ठीक है। और यहाँ से आपको टाइमिंग चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। और दोनों टेकअवे और डाइनिंग की दोनों की टाइमिंग अलग अलग डाल सकते हैं। यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेंज कर सकते हैं, आप कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, जीमेल आईडी, नंबर, नाम सब चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको छोड़ दीजिए या इसका यहाँ पे काम ख़त्म हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑर्डर, जो हमारे पास ऑर्डर जा चुके हैं, मेरे पास सुबह से 4 ऑर्डर जा चुके हैं, ठीक है। उसकी डिटेल यहीं से चेक कर सकते हैं। और आउटलेट, अगर हमें मान लो इस आउटलेट का चेक करना, दूसरे आउटलेट का चेक करना, वो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, मैं करूँगा नहीं, ठीक है। और कस्टमर कंप्लेंट्स जो होती हैं यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। हेल्प, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि अगर नया रेस्टोरेंट जोड़ता है कोई, ठीक है, या क्लाउड किचन जोड़ता है, या कह सकते हो किसी तरह की हेल्प चाहिए, अभी जी मेल आई डी बंद कर दी तो कहीं से तो आपको हेल्प चाहिए ना, तो सबसे ज़रूरी ये वाला सेक्शन है, तो इसके बारे में अच्छे से समझा दूँगा मैं आपको, ठीक है। अभी कई किसी कारण ऑर्डर रिजेक्शन के बारे में, किसी कारण की वजह से रेस्टोरेंट आपका क्लोज़ हो जाता है, तो यहाँ पर वो लिख के आ जाएगा किस कारण से आपका रेस्टोरेंट क्लोज़ है, तो उसकी स्क्रीन शॉट लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है नीड, ठीक है, यहाँ पे जाना है और अदर पे करना है, उसके बाद ये आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है, वही स्क्रीनशॉट सबमिट करना है, ठीक है। उसके बाद लिखना है उसके बारे में, और ये 24 घंटे में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ये देख लीजिए, ठीक, ऑर्डर रिलेटेड, ठीक, अपडेट, रेस्टोरेंट डिटेल्स, कुछ भी आप अपलोड करना चाहते हैं, टाइमिंग, कॉन्टैक्ट, फूड लाइसेंस, GST, यहाँ से सारे का कर सकते हैं आप, ठीक है। पेमेंट का देख सकते हैं आप, ठीक है, पेमेंट का कोई इशू, यहाँ पे टिकट ट्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं उसके बारे में। एड प्रमोशंस जो होते हैं, ये देखिए एड, अगर हम अपने रेस्टोरेंट पे एड क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से अकाउंट मैनेजर का, उसे नंबर लोगों के पास नहीं है, मेरे पास है तो मुझे मिल जाता है, ठीक है। तो अगर मान लो कोई एड आपने लगा रखा है उसको कैंसिल करना चाहते हैं तो यहीं से आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और ये है प्रो, प्रो प्रमोशंस आपने देखा होगा, प्रो प्रमोशंस क्या होगा, आपने रेस्टोरेंट कस्टमर ऐप के ऊपर आप देखते होंगे तो रेड कलर का दिखता है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, अभी हम रहेंगे इस ऐप के ऊपर। प्रो प्रमोशंस किसको कहते हैं, अगर हम अपने रेस्टोरेंट पे 10% या 20% या 30% लगाते हैं तो वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट हम देते हैं कस्टमर को। वो किस तरीके से आपके ऐप में आपके रेस्टोरेंट पर शो करेगा ये मैं दिखाता हूँ। मैंने लगवा रखे हैं 25% लगवा रखा है, तो मैं अभी अपने रेस्टोरेंट का नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा रेस्टोरेंट कहाँ पे होगा, कैसे ढूंढूंगा, तो टाइम लग जाएगा। मैं कोई भी रेस्टोरेंट आ गया जिसका भी दिख रहा होगा मैं उसका दिखा दूँगा आपको। ये देख लीजिए, मेरा ही दिख गया है, पर ये मेरा दूसरा वाला दिखा हुआ है स्टोर, ये देख लीजिए, ये वेरियस मेरा ही है, ठीक है, मेरे को सर्च करना नहीं पड़ा है। ये जो वो एक्स्ट्रा लिखा है 20-25%, ये वो प्रमोशंस होता है भाई, और ये मैंने दूसरा वाला डिस्काउंट, ये एक्स्ट्रा होता है हमारा, ठीक है। यहाँ से हम लगा सकते हैं सारे, यहाँ लगाने का ऑप्शन नहीं आता तो नंबर आ जाएगा, अगर नंबर नहीं आता तो टिकट रेस करने का ऑप्शन आएगा, आप उस पर लिख दीजिएगा प्रॉपरली, ठीक है, कि ये मैटर है। अच्छा, अभी हम इस पर बात कर चुके हैं, एड के बारे में बात कर चुके हैं, प्रमोशंस के बारे में बात कर चुके हैं, जो हम कंपनी से लगवाते हैं 40% up to 80 rupees वाला, वो भी वहीं से लगेगा जहाँ से मैंने आपको दिखाया है, ठीक है, यहाँ से लगेगा, ठीक है। ये किसी तरह के डिस्काउंट या प्रमोशंस या पेड प्रमोशंस, सभी यहाँ से प्रमोशंस लगेंगे। किसी तरह की हेल्प चाहिए तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, यहीं पे जाके काम करिएगा, ठीक है। डिलीवरी एरिया चेंज करना, बाय चांस मैं अलीगंज में हूँ, मेरे को करना है राजा जी पुरम से काम, तो यहाँ पर जाके उसके बाद मेरे को मेंशन करना पड़ेगा करंट एरिया मेरी यह है और मेरे को कहाँ पर अभी करना है, रिसन लिख के मैटर आप करिएगा। उसके बाद जोमेटो का टेप अगर हमें चाहिए तो, ठीक है, उसके बाद ये तो छोड़ ही दीजिए, उसके बाद अदर पे करिए। सबसे अदर वाला जो ऑप्शन है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा हमें इस चीज़ की नीड आती है,
ठीक है, रेस्टोरेंट क्लोज पे या मेनू प्राइस चेंज करना तो भी आप यहाँ पे टिकट रेस कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके का टिकट ज़रूर रेस करिएगा। टिकट रेस करने के साथ में स्क्रीनशॉट ज़रूर सबमिट करिएगा। स्क्रीनशॉट के बिना कोई काम आपका हो नहीं पाएगा। डिस्प्ले पिक्चर आपने देखा होगा, डिस्प्ले पिक्चर इसको कहते हैं। ठीक है, जैसे ये पिक्चर दिख रही है और ये पिक्चर चेंज कराना तब ज़रूरत पड़ती है आपको जब आपके हिसाब से लगी ना हो। ठीक है, आपके मेनू के हिसाब से इसको चेंज कराने के लिए भी आपको यहीं से टिकट रेस करना है। ठीक है, ये हो गया। एड्रेस चेंज करने के लिए भी एड्रेस या मैप लोकेशन दोनों में से। ठीक है, रेटिंग या रिव्यू से अगर किसी रेस्टोरेंट ने किसी बंदे ने आपको आपके रेस्टोरेंट पर गलत रेटिंग या रिव्यूज़ कर दिया तो आप उसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन आपको दिया है। ठीक है, ये अदर पे अगर किसी तरह का ऑप्शन नहीं आ रहा है, और भी कोई अदर प्रॉब्लम तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और किसी तरह की प्रॉब्लम ऐसे हो सकता है कि आपके फ़ोन में ऐप ना चल रहा हो या कोई और प्रॉब्लम हो जो इसमें ना हो, वो आप कुछ भी हो इसमें सबमिट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये तो हो गई हेल्प के बारे में। ठीक है, जैसे कई बार होता है ना हमारे पास आइटम ऑन होल्ड आ जाती हैं तो उसकी भी स्क्रीनशॉट ले लेनी है और अदर पे जानी है। जैसे मैंने कोई भी चीज़ सम ऐसा होता है कि हम कोई भी चीज़ ऐड करते हैं तो 24 आवर्स का टाइम ले लेते हैं, उसके बीच बीच में कर देती है। ठीक है, अब ये फ़ोटो रिजेक्ट आ रहा है इसका तो हम नहीं हेल्प मांग सकते हैं। इसमें तो उन्होंने रीज़न साफ साफ लिख दिया है, रीज़न दिखा देता हूँ मैं कहाँ पर लिखा। ये देख लीजिए, ये मैंने फ़ोटोज़ लगाए हुए हैं, अभी लाइव नहीं हुए ना तो मैं दिखाता। ये देखिए, फ़ोटो रिजेक्ट हुआ, यहाँ पर रीज़न इन्होंने लिख दिया होगा। ठीक है, ब्लर फोटो फोटो इज़ नॉट क्लियर। ठीक है, तो इन्होंने रीज़न लिख दिया तो इसके बारे में टिकट रेस करने की ज़रूरत नहीं, तुरंत रिप्लेस करने की ज़रूरत है फ़ोटो को। और देख लेते हैं, अभी कई बार मेनू में क्या होता है ना, इससे यहाँ पे ना आइटम ऑन होल्ड लिख जाता है अगर कोई भी आप न्यू आइटम ऐड करते हैं, और वो आइटम क्या 24 घंटे का टाइम लेती है कंपनी और लाइव कर देती है। अगर लाइव नहीं होती इनकेस तो आप जाइएगा हेल्प में। ठीक है, हेल्प में जाइएगा, यहीं यहाँ से होगी हेल्प यहाँ से, और सीधे यहाँ पे जाइएगा और अदर पे चले जाइएगा, उसी की स्क्रीनशॉट लीजिएगा और वो सबमिट कर दीजिएगा। ऐसे और भी प्रॉब्लम्स होंगे जिसका ऑप्शन नहीं इसमें कंपनी ने दिया है। ठीक है, ये तो होगी इसके बारे में जानकारी। अभी हम मेनू पे फ़ोटो कैसे लगाते हैं ये भी बता देते हैं। ये प्रोफाइल चेंज हो गई। अभी आइटम इमेजेस, अगर हम ये आइटम है इसको हम एडिट करना चाहते हैं। ठीक है, प्राइस छोड़ के आप सब कुछ एडिट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे डाइनिंग टेक अवे कैसे क्या है ये सब कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, 3 से 4 लोग खा सकते हैं, टाइमिंग क्या रहती है बनने की, 5 से 10 मिनट लगता है। ठीक है, कितनी कैलोरीज है ये लिख सकते हो, साइज़ क्या है। ठीक है, 4 पीसेस, ये भी आप डाल सकते हैं एक्सक्लूसिव ऑफर में। ठीक, इस तरीके से आप जो है उस मेनू को किसी भी आइटम को आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, यहीं से फ़ोटो भी लग सकता है, इवन कि ऐसा नहीं कि आप फ़ोटो लगाना चाहें तो फ़ोटो भी लग जाएगा यहाँ से। इस पर क्लिक किया, कोई ऐसी चीज़ पकड़ूँ जिस पर मैं क्लिक कर सकूँ, पराठे को पकड़ लेते हैं। क्लिक किया, रिजेक्ट वाले फ़ोटो को रिप्लेस कर लें, इस पर किया। फ़ोटो ध्यान रखिएगा सेंटर में होनी चाहिए फ़ोटो, उसके बाद ही लगेगी। और फ़ोटो खुद की रियल खींची हो ज़्यादा बेटर। वैसे इंटरनेट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ फ्री साइटें होती हैं फ़ोटो डाउनलोड करने की, वहाँ से आप लगा सकते हैं। बट अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा ज़्यादातर आप रियल फ़ोटोज लगाइए अच्छी सी, उसको एडिट करने की तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी नेट स्लो है यार तो ये टाइम वेस्ट करेगा, मैं इसको अभी वापस से ले रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे ऐसे लगेगा। चलो, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा, अभी लग चुका है, सबमिट कर रहा हूँ मैं। ये फ़ोटो यहाँ पे कुछ समय बाद या कल तक लग जाएगा। ठीक भाई, ये मेनू के बारे में मैंने पूरी बात कर ली। अभी हम ग्रोथ के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रोथ के बारे में अगर आप यहाँ से ओपन करेंगे, ये वाला डिस्काउंट मत देना। अगर आपको लगता है कि देना चाहिए तो दे देना, ये तो मत देना ये डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको प्रमोशन चलवाता है, चलवाना चाहते हैं कि यार मेरे रेस्टोरेंट पे, मैं देख लेता हूँ यार है। पहले तो यहाँ पे ना आपको ये
एक लिंक होगा जिस वीडियो को देखना होता है, तब आपकी रिक्वेस्ट सबमिट होती है, 24 घंटे बाद आप इस चीज़ को ओपन कर सकते हैं। मैंने पहले कर रखा है इसलिए अभी ओपन हो गया, वीडियो देख रखा है मैंने पहले से, ये ओपन हो गया। ये लिखा हुआ है क्रिएट एड, एड हम अपने आप से कर सकते हैं जिसके हमें पैसे देने पड़ेंगे कंपनी को अपनी सेल से। जो भी हमारी वीकली सेल होगी वो वीकली जो भी अमाउंट कटना होता है कट जाता है, फिक्स होता है, ठीक है। अभी देख लीजिए कम से कम क्या है, 500 रुपये का प्रमोशन कम से कम है, देखते हैं कितनी तारीख से कितनी तारीख तक लगाना है आपको, ठीक है। 500 रुपये में 43 लोग जो है आपके मीनू तक विजिट, नहीं 500 रुपये से लेकर इतने तक है, 43 के तक है, अगर आप आगे मतलब इतने से इतने तक की है, और 500 रुपये में आपके 87 लोग आपके मेनू तक विज़िट करेंगे। ऑर्डर करें ना करें वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पर इन्होंने एक एस्टीमेट दिया हुआ है कम से कम 1085 लोग आपके रेस्टोरेंट देख सकते हैं उसमें से जितने लोग विजिट करेंगे, और ऑर्डर आपको 3 से 5 ऑर्डर आ सकते हैं, सेल आपकी 1000 के आसपास हो सकती है 500 रुपये में, ठीक। ये प्रमोशन लगवाना तो आप लगा सकते हैं, ऐसे आप सीधे की कर सकते हैं 43,000 का प्रमोशन, ठीक है। ये प्रमोशन लगाने का ऑप्शन है, सबसे बेस्ट तरीका दिया है इन्होंने कंपनी ने, ठीक है। यहाँ पे एक वीडियो होता है उसको देखने के बाद ही आपको ये मिलेगा ऑप्शन। ये वाला मैंने प्रमोशन बोला था मत लगाइए, इसकी नीड नहीं होती, तो लगाना क्या आपको है, ये भी तो बात होना चाहिए ना। यहाँ पे जाइए हेल्प में, एड प्रमोशन में जाइएगा, यहाँ पे एड जाइएगा, एड क्रिएट सॉरी प्रमोशंस पे जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे जाइएगा और यहाँ पे अगर ऐसा ऑप्शन ना हो ना तो ये ज़रूर ऑप्शन होगा, इसमें आप लिखिएगा, ठीक है। ये मत लिखिएगा, सीधे रेस्टोरेंट आईडी लिखिएगा और उसमें लिख दीजिएगा, ठीक है, 40% अप टू 80 रुपीज़, फिर रेस्टोरेंट आईडी नीचे लिख दीजिएगा, रेस्टोरेंट नाम लिख दीजिएगा बस, क्योंकि हम सब टिकट रेस कर रहे हैं, हमें इतनी ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और इससे दूसरा वाला है, दूसरा वाला क्या है, 50% ऐसे सभी होते हैं, 30% 50%, ठीक है, 60% तक के भी होगा। एक होता है न्यू यूज़र के लिए, मतलब नए कस्टमर को सिर्फ डिस्काउंट मिले, एक होता है सभी कस्टमर्स को डिस्काउंट मिले, तो ये हमेशा चलते रहते हैं सभी कस्टमर को डिस्काउंट दें, ठीक है। इसमें क्या होता है अप टू 100 रुपीज़, अब इसका थोड़ा मतलब बता देता हूँ। अब कस्टमर मान लो 200 रुपये का ऑर्डर प्लेस करता है और आपने डिस्काउंट दिया है 40% वाला, तो 200 रुपये में से डिस्काउंट कूपन अगर अप्लाई करता है कस्टमर तो उसको 80 रुपये डिस्काउंट चला जाएगा, ठीक है। और वही कस्टमर 500 रुपये का ऑर्डर प्लेस करता है और 40% वाला डिस्काउंट लगाता है, 40% अप टू 80 रुपीज़, तो 500 रुपये में भी डिस्काउंट उसको 80 रुपये ही जाएगा कस्टमर्स को, सेम ये डिस्काउंट दोनों है, ठीक है। इसका ये फ़ायदा है थोड़ा, इसलिए यहीं से लगवाइएगा प्रमोशंस। वैसे मुझे लगता है मैंने अभी वीडियो को मैंने कम्प्लीटली समझा दिया है, फिर भी अगर आपको लगता है कुछ रह गया है तो मेरे को कॉल करके ही पूछ लेना सीधे, कॉल करने के लिए नंबर मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और दूसरी बात, नंबर आप ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, कॉल कर लीजिएगा डायरेक्ट, ये नंबर मेरे ही है जो भी दिख रहे हैं आपको, ठीक है। भाई वीडियो मैं एंड कर रहा हूँ और रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, जाते जाते जुड़ जाओ मेरे साथ, बस थैंक यू।